नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे बजाज हिंदुस्तान सुगर लिमिटेड, क्या इस कंपनी को करंट प्राइस पे बाई कर सकते हैं, कंपनी का टेक्निकल व्यू क्या बनता है, कंपनी का आने वाले टाइम में फ्यूचर क्या हो सकता है, सब कुछ अब आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, कोई भी पार्ट मिस न करें। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो देखते हैं इस कंपनी के डिटेल को। देखेंगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यह कंपनी क्लोज हुआ था 17.20 रुपए पे और थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिला था, बहुत ही मामूली सा। अगर इस कंपनी के 52 वीक हाई की बात करें तो आपको 24.65 रुपए का लेवल देखने को मिलेगा, जबकि अगर इस कंपनी के 52 वीक लो की बात करें तो 6.10 रुपए का लेवल यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर इस कंपनी के लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हम डिलीवरी की बात करें तो 50% से ज्यादा की डिलीवरी उठाई गई है इस कंपनी के अंदर, यानी कि गिरावट का फायदा काफी लोगों ने उठाया है। तो देखते हैं इस कंपनी के और डिटेल को। दोस्तों अगर इस कंपनी के डेली चार्ट पे हम डिटेल देखें तो आप देखेंगे यह कंपनी काफी तगड़ा बाउंस बैक किया था और काफी बड़ी ग्रोथ आपको दिखाया था, लेकिन इस कंपनी ने रेजिस्टेंस फेस किया इस लेवल के पास में और थोड़ा सा सेक्टर भी यहां से थोड़ा सा डाउन होना स्टार्ट किया था। तो जाहिर सी बात है जब पूरा का पूरा सेक्टर होता है तो पर्टिकुलर स्टॉक भी वहां से डाउन होना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कोई बड़ी गिरावट आपको यहां पे देखने को नहीं मिला है। अभी भी यह कंपनी अपने एक सपोर्ट लेवल के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। जैसे ही यह कंपनी सपोर्ट के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, अगर यहां से बाउंस बैक करता है तो एक बड़ा ब्रेकआउट आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो लोग भी इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं वो कंटिन्यू करें या फिर चाहे तो अपना स्टॉप लॉस लगाएं 16.50 रुपए के पास में और आगे के लिए कंटिन्यू करें। जो लोग इस कंपनी को बाई करना चाहते हैं, क्या उन्हें बाई करना चाहिए? जब तक यह कंपनी अपने सपोर्ट लेवल के ऊपर है आप चाहे तो बाई कर सकते हैं अपना स्टॉप लॉस लगाकर, या फिर आप चाहे तो इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए भी बाई करके चल सकते हैं, क्योंकि जिस सेक्टर से यह कंपनी बिलोंग करता है उस सेक्टर में आने वाले टाइम में बहुत बड़ी ग्रोथ है। तो दोस्तों काफी अच्छा खासा मौका है इस कंपनी को बाई करने का, आप चाहे तो करंट प्राइस पे भी बाई कर सकते हैं क्योंकि यह कंपनी बड़ी गिरावट के मूड में नहीं है। तो पिछले 4-5 दिनों से इस कंपनी में गिरावट आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी तक भी इस कंपनी ने अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं किया है। इसका मतलब है कि बड़ी गिरावट के मूड में नहीं है, यह कंपनी अगेन बाउंस बैक करना चाहता है। जैसे इस सेक्टर थोड़ा सा बाउंस बैक करता है तो इस कंपनी में भी एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप चाहें तो इस कंपनी में पोजिशन ले सकते हैं और आगे के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।